नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को टच करिएगा नया वीडियो पाने के लिए। तो आप सब्सक्राइब करना जानते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इसमें जो है आंकिक प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो है बहुत से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फिजिक्स का, और आप जो है सही प्रश्नों को जो है सॉल्व करिए, इससे आपको बहुत बड़ा एक अनुभव मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, एक 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के रूप में कुंडली जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे वर्ग। ठीक है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का, तो यहाँ जो है धारा कितनी बह रही है, धारा बह रही है I=5 एम्पियर, जो देखिए इसमें कह रहा है। ठीक है, इसमें धारा है और ये इसमें जो है हम क्या करेंगे, वर्ग बनाते हैं। मान लीजिए वर्ग बन गया, ये ए है बिंदु, ए बी है, सी और डी। ठीक है, इसमें धारा कैसे बह रही है, ऐसे इधर से जा रही है। ठीक है, इसमें धारा जो है दक्षिणावर्त बह रही है। ठीक है, अब ये केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, अब ये आपके वर्ग के रूप में कुंडली बीच में धारा 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहीं पर केंद्रीय ओ है तो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए इसको मिलाते हैं इससे, अगर डॉट डॉट करके ये भी मिलाते हैं। ठीक है, और इसको स्ट्रेट मिलाते हैं, ये बिंदु M हो गया, और इसमें देखिए 45° का कोण बना रहा है, ये भी 45° का कोण बना रहा है, और यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, माना केंद्र जो है, माना वर्ग का केंद्र O है, माना वर्ग का केंद्र O है। ठीक है, तो ये हो गया, और ए बी और ए सी डी। अब देखिए यहाँ पर जो भी दिया है, इसमें प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, प्रत्येक भुजा कितनी है, यहाँ प्रत्येक भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है प्रत्येक 0.04 मीटर हो जाएगा, ये भी 0.4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है ना, सभी भुजाएँ बराबर होंगी। ठीक है, और ये भी हर भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 0.04 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी प्रत्येक भुजा है, ये भी हो जाएगा वही। ठीक है, इतना आप जान गए। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो है जहाँ BC की O की लंबवत, BC की O की लंबवत जो है यहाँ, ठीक है, लंबात्मक दूरी है, गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ OM क्या हो जाएगा, OM बराबर हो जाएगा A/2, OM जब निकालेंगे हम तो OM बराबर हो जाएगा A, यानी 4/2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 2×10^2 मीटर हो गया, इसको बदलेंगे, H=2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चालक BC के कारण O पर, चालक BC के कारण O पर जो है, ठीक है, क्षेत्र B1, माना चालक BC के कारण O पर क्षेत्र B1 है, यही देखिए BC के कारण O पर क्षेत्र क्या है, B1 है। तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, B=μ0/I×I 4πa sin φ1 sin φ2 हो जाएगा ये सूत्र। अब यहाँ देख लीजिए φ1 φ2 क्या है, देखिए यहाँ पर φ1 45° है, अभी φ2 क्या है, 45° है ये। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू हम जो है φ1 और φ2 की जगह रख देंगे, दोनों समान है, ये 45° है, अभी 45° है, चलिए रखते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से B μ0I 4πa sin 45°। ठीक है, ये रख दिए। अब देखिए sin 45° का मान क्या होगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप जान लीजिए, क्योंकि जो है अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए मैथ वगैरह का भी जो है फार्मूला जो है ये लर्न करिए, त्रिकोणमिति का भी, देखिए ये काम आता है जो है, मान फिजिक्स में भी यूज हो रहा है आपके सामने ही,
तो अब इसका क्या, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये है म्यू जीरो आई 4 पाई इंटू ए हो, ये साइन 45 और साइन 45 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 sin 45 हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा भाई, दोनों सेम है। अब साइन 45 इसका मान क्या होता है ये रखना है और देखना है। तो 2 इसका मान होता है 1/√2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ से अब हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, तो म्यू ज़ीरो 4 पाई क्या मान क्या हो जाता है यहाँ, म्यू ज़ीरो 4 पाई अलग कर दीजिए इंटू आई बटा ए आ 2 √2 हो जाएगा। इसका मान होता है 10^7 होता है। ठीक है, इसका मान होता है 10^7। तो यहाँ हो जाएगा ये 10^7। ठीक है, आई का मान 5 है और ए का मान क्या है, ए का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ए का मान देखिए क्या निकाले थे, यही दिखा लेते, देखिए यहाँ पर जो ओ एम था, यही ओ एम, ओ एम बराबर ए और यहाँ ए बटा 2 हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, तो यहाँ ए बटा 2 जो इसका ये है पूरा था, ये पूरा इसका आधा हो जाएगा। देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया, तो यहाँ ये 2 × 10^2 और यहाँ 2 √2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10^7 × 10^2 प्लस हो जाएगा × 5 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब हल करेंगे यहाँ से, तो b = 5 √2, ये 10^7 है गुणा भाग जुट जाएगा, तो b = आ जाएगा यहाँ से 5 √2 10^5 आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, ये हो गया, ये तो बी का मान हो गया। अब एक काम और भी कह रहा है कि यदि वर्ग के कारण ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बी है, केवल बी है, अभी तो बी वन था। ठीक है, तो कुल बी है तो क्या होगा इसके लिए, बी बराबर क्या होगा, 4b1 हो जाएगा। देखिए ठीक है, क्या हो जाएगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अभी कह रहा है यदि वर्ग के कारण, क्या कह रहा है, यदि वर्ग के कारण, यदि वर्ग के कारण ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 4b1 हो जाएगा। ये चारों तरफ ना आएगा, यहाँ एक, इधर 2 3 चारों तरफ आएगा, इसलिए बी बराबर क्या हो गया, कुल, इसलिए 4b1 हो गया। अब इसी में मान रख देते हैं, 4 × b1 का मान क्या है, यहाँ से जो हल किए थे वो 10, वो दशमलव में जो आएगा। ठीक है, तो यह 5 / 2 × 10^5 टी यानी बी ये हो जाएगा 4 × 5 √2 है, ऊपर नीचे √2 से क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 10^5 t, अब बी बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 × 5, ये 2 √2 है, ये 2 हम मिलके यहाँ बाहर निकल गए √2 से, × 10^5 t, अब 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा 2 √2 क्या हो जाएगा, 10 × 10^5, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं वह क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है, 50 mg द्रव्यमान का एक 20 मीटर लंबा तार, कितना ग्राम का, 50 जो है मिलीग्राम का जो है द्रव्यमान का एक 20 सेंटीमीटर लंबा, लंबाई 20 सेंटीमीटर है तार, 30° पूर्वोत्तर में रखा है। ठीक है, इस बिंदु पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 8 × 10^3 टेस्ला परिमाण का क्षैतिज है, तार में से कितनी धारा प्रवाहित करनी चाहिए कि जिससे यह वायु में तैर सके। तो इसमें पहला क्या दे रहा है, हम लिख लें पहले दे रहा है इसमें जो है द्रव्यमान दो दिया है, भार दिया है यमने यानी यम द्रव्यमान दिया है 50 mg, तो इसको kg बदलना है, तो 50 × 10^6 kg हो जाएगा ये, और ग्राम दिया है जी ये दिया है 10 गुरुत्वाकर्षण दिया है,
यह हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अब क्या दिया है, बी क्या दिया है, देखिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र बी ये दिया है 8×10³ टेस्ला, ठीक है, ये हो गया। और एल दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदल लीजिए, ये मीटर हो गया जब इतना। और थीटा क्या दिया है, 30 अंश, ये पूर्वोत्तर में रखा है भाई, दिया है देखिए 30 अंश। सभी मानों को पहले क्वेश्चन लगाने से पहले सभी मानों को जो है इकट्ठा लिख लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि कौन कहाँ लग रहा है। उसके बाद अब फार्मूले पर जाइए कि फार्मूला इस पर कौन सप्लाई होगा और फिर कंडीशन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि परिमाण का क्षय दीजिए, इतना पूर्वोत्तर में रखा है, इस बिंदु पर पृथ्वी का पर का चुंबकीय क्षेत्र इतना परिमाण का क्षैतिज है। तो हम पहले हम पर इसका एक फिगर बनाएंगे, फिगर से भी आपको जो है अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। फिगर जो है मान लीजिए ये डब्लू है, ये वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ, ये सब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये तार है, क्या है, यही तार है, और ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, यही तार है, यही कह रहा है क्षैतिज में है, चूंकि क्षेत्र में धारा 40 तार पर लगा बल क्या हो जाएगा, इसमें फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में धारा चलित तार पर लगा बल क्या हो जाएगा, यहाँ से F=BIL sin θ हो जाएगा, बिल साइन थीटा, ऐसे याद कर लीजिए, बिल साइन थीटा, बिल साइन, बिल सी, बिल साइन थीटा, ऐसे जो है ये फार्मूला होगा। तथा ये ऊर्ध्वाधर पंथ ऊपर मुखी कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर मुखी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यह ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर परंतु ऊपर मुखी कार्य कर रहा है, ठीक है, करता है। यदि बी के कारण, यदि बी के कारण तार पर लगा बल तार के बाहर के बराबर हो, यदि बी के कारण तार पर लगा बल तार के बाहर के बराबर हो तो तार वायु में तैरेगा, ठीक है, कह रहा है यदि बी के कारण तार पर लगा भार तार के भार बराबर हो, तार पर लगा बल, जो तार पर जो बल लग रहा है इसी पर कह रहा है, तार पे जो है बल लग रहा है तार के भार के बराबर हो तो वायु में तैरेगा, तार किस में तैरेगा, वायु में तैरेगा, सही बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यदि ये F=2 हो जाएगा, ये तार के भार के बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। तो ये F=2 सूत्र का था, BIL sin θ था, तो यह mg रख देंगे हम इसके बराबर, तो यहाँ mg आ जाएगा क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा ना, BIL sin θ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो I की वैल्यू निकालेंगे, तो ये I की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये mg BL sin θ। अब क्या करेंगे, उपरोक्त सभी मानों को इसमें रख देंगे, जो मान ऊपर हम निकाले हैं, ठीक है, सभी मानों को हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, और बेहद आसानी से जितना मान दिया है ये सभी मानों को उसमें हम रख देना है, किस सूत्र में, इस सूत्र में, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए, बहुत आसानी से हल कर लीजिए, m का मान 50×10⁶ और g का मान 10 था और b का मान 8×10³ और l का मान 0.2 और साइन 30 अंश थीटा का मान 30 अंश हो गया। अब इसको हल करिए बाकायदा, तो देखिए यहाँ पर जो है 5×10⁶ है, तो यहाँ इस पे भी एक है, तो ये जुटेगा +1 और इसमें से एक जुट गया +1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 8×0.2
और ये 37 अंश का मान क्या होता है 1/2, और ये ऊपर चला गया 10^3, क्या हो गया 10^3 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा बहुत आसानी से, तो आई बराबर हो जाएगा 5×10^6 प्लस 2 बटा ये 2×4 8, 4×0.2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 2 और ये 3 नहीं जुटेगा, ये भी जुट जाएगा आकर, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। तो यहाँ से ये 5×10^3 2 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4×0.2, तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अब आगे हल करते हैं। पाँच बड़े 10^1 और 10^-1 है बटा अब 4×2 है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 10^1 रहने दीजिए इसको -1, ये 4×0.2 गुणा कर देते हैं, तो 5 ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं, 4×0.2, यहाँ भी नीचे 10 से गुणा रहे, 10 को इसको बाहर ले रहेंगे, लिए रहेंगे, आई बराबर हो जाएगा ये 50, ये हो जाएगा 4×2 10^-1, ये 2×2 4, ये 25 हो गया, आई बराबर 25×4×10^1। अब इसमें भाग दे देंगे जो भी आएगा, 4×6=24, 1 बच गया, 4×2 8 4×5, ऐसे करके जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एम्पियर हो जाएगा ये धारा। अब ये धारा हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, धारा हो गया और यही जो है इसको हम, ठीक है, एम्पियर धारा आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो कह रहा है वो भी जो है कुछ ऐसे ही अलग है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी 0.5 धारा से पूर्ण पैमाना विक्षेप दर्शाता है, ठीक है। पचास ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी 0.5 एम्पियर धारा से पूर्ण पैमाना विक्षेप दर्शाता है। इस धारा मापी को 0.5 परास के अमापी में बदलने के लिए अभी से संट तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। संट तार का व्यास 4 मिलीमीटर है और इसकी प्रतिरोधकता 5×10^7 ओम मीटर है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे पहले जो है हम इसको क्या कह दिया है लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0.5 पे धारा दे दिया है, संट की बात आ रही है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा आई जी, सूत्र में बदल लें, ठीक है, ये 0.05 एम्पियर हो गया। फिर दिया है आई, धारा क्या दिया है आई, तो धारा यहाँ दिया है ये 5, ये परास है ये, तो 0.5 हो गया यहाँ, ठीक है। और यहाँ 50 ओम प्रतिरोध का दिया है, तो जी इसको ले लेंगे जी, कैपिटल जी इक्वल टू 50 ओम हो गया, यहाँ ये 50 ओम हो गया, ठीक है। अब हम ये लिख लिए, अब हम क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना है यस, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि संट तार का व्यास ज्ञात करना है, 4 mm दिया है और व्यास भी दिया है, तो सूत्र इसका क्या होता है, यस इक्वल टू, देखिए सूत्र भी आप ध्यान रखिए, अगर सूत्र नहीं याद है तो जान लीजिए बड़ा ही दिक्कत है, क्योंकि सूत्र ही आधार है प्रश्न का, अगर सूत्र अगर फार्मूला मौके से भूल जाएंगे तो फिर दोष किसका है, आपका है, आपके पढ़ने का है, तो इसलिए आप जो है सूत्र को भी बाकायदा ध्यानपूर्वक ध्यान में रखिए और लर्न भी करिए। देखिए इक्वल टू इतना हो गया, अब यहीं पर इसको हम वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से तो हल होगा। तो चलिए ये मान रखते हैं क्या होता है, तो यस का मान यहाँ रखेंगे, तो यस इक्वल टू आई जी कैपिटल जी आई माइनस आई जी, ठीक है, ये सूत्र है, तो सूत्र में रखते हैं, तो यस इक्वल टू क्या मिलेगा है 0.05×50 हो गया, और आई क्या है 0.5 माइनस 0.05, देखिए घटाना बहुत इम्पोर्टेंट है,
अब देखिए वो लोग घटाना नहीं अगर आएगा जिसको, वो क्या कर पाएगा? देखिए यहाँ पर घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ घटाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। देखिए 0.5 में से 0.05 घटाना है तो कैसे घटाएंगे? देखिए 0.5 है, ये 0.5 है और 0.05 घटाना है, ठीक है? तो यहाँ जीरो लगा लीजिए और घटाइए, 10 में से 5 या 5, ये जो यहाँ बचा 4, ठीक है? तो इतना आ जाएगा, आप जोड़ लीजिए 5 5 10 4 1 5, ठीक है? ये आ जाएगा फिर पुनः, ठीक है? तो यह 0.45 आ गया, यहाँ कितना आ गया? ये 0.45 आ गया, यानी एस इक्वल टू आ गया 0.05 × 50, और यहाँ ये आ गया 0.45 आ गया, 0.45 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब इसको हल और करेंगे। तो देखिए दशमलव यहाँ दो अंक के बाद भी यहाँ है, दशमलव यहाँ भी दो अंक है, तो यहाँ ऊपर नीचे 100 से क्या कर रहे हैं? गुणा करते हैं, ठीक है? यानी एस इक्वल टू यहाँ 5 हो गया गुणे 50 गुणे 100 बटा 45, ठीक है? 5 × 5 = 45, एस इक्वल टू 50 गुणे 100 बटा 9 आ गया, ठीक है? ये 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसको और इजी करने के लिए, इसी में भाग दे दीजिए भाई, जो ये 45 में 50 में, और यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए, तो 50 में 9 से भाग देंगे, 9 × 5 = 45, यानी 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी यही जो है यह इस प्रकार जो है करेंगे तो आ जाएगा आसानी से, ठीक है? या यहाँ से तो 5/9, हाँ यहाँ ये आ जाएगा ये, ठीक है? इस प्रकार जो है ये ऐसा ऐसा ओम आ जाएगा, यहाँ हल करेंगे। अब ये निकल गया आसमान, अब मानेंगे संड की लंबाई क्या है, ठीक है? इसमें कह रहा है कि मानेंगे, अब यहाँ यहाँ कह रहा है कि ये तो निकल गया, ठीक है, यस का मान। अब कह रहा संड के तार का व्यास इतना, इसकी प्रतिरोधकता इतना है, तो पीछे इस धर्मावी के पर बदलने के लिए अविष्ट की लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई देखिए यल मानेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ लंबाई के लिए, यहाँ लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या मानेंगे हम, हाँ यल माना, माना संट की लंबाई क्या है, यल है, तो यस बराबर आर, यानी यस बराबर हो जाएगा ये यहाँ ये, ठीक है? आर बराबर होता है ये ओम का नियम, नियम जो है अभी है, ठीक है? तो यहाँ से हो गया, यानी यस बराबर रो यल, आई का मान पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब यहाँ से यल का मान निकालेंगे, तो यल बराबर हो जाएगा एस पाई आर स्क्वायर बटा रो। अब इस यहाँ भी देखिए एक चीज़ और भी है कि इतना हो गया अब, और एस बराबर आर ले लिया गया, ठीक है? संट की लंबाई एल है। अब यहाँ से एस की वैल्यू जो है, यहाँ से एल की वैल्यू निकाला गया जो है एस के फॉर्म में हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर जो है, अब डी का मान निकालेंगे, डी का मान क्या है, ब्यास, ब्यास के बारे में दिया, देखिए तार का ब्यास 4 mm है ना, यहाँ डी का मान हो गया ये, और प्रतिरोधकता क्या दिया है, यही है रो, ये दिया है, तभी ने सूत्र में हम लगाए हैं, हाँ देखिए प्रतिरोधकता दिया है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो डी बराबर दिया है 4 mm ब्यास है, तो ये 4 × 10³ हो गया, और रो दिया है 5 × 10⁷ ओम है प्रतिरोधकता है। भाई देख लीजिए प्रश्न में दिया है, आप कहेंगे कि कहाँ से लिख दिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा, देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है? ये प्रतिरोधकता है रो। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे हम, तो डी का मान दिया है इतना, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो डी बाई टू दिया है, तो 4/2 × 10³ हो जाएगा, यानी 2 × 10³ मीटर हो जाएगा, ठीक है? तो अब समीकरण एक में हम रखेंगे, एल का मान निकल जाएगा आसानी से, तो रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये एल बराबर ये यस पाई आर स्क्वायर बटा रो था, तो एल बराबर यस का मान क्या दिया है, 5/5 आया है, और पाई का मान 22/7 होता है, और आर स्क्वायर का जो मान है 2 × 10³ का होल स्क्वायर हो गया, और बटा रो का मान जो है 5 × 10⁻ प्रतिरोधकता है, ठीक है, दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, वही आंसर हमारा बन जाएगा।
तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ ये 5 लो 5 6 22 2 10^6 हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा। आइए 7 5 10^ क्या हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे आगे, तो दशमलव पॉइंट में आंसर आ सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 5 5 6 है और यहाँ ये 22 4 हो गया, 10^6 हो गया, प्लस ऊपर गया 7 हो गया, नीचे क्या हो गया 7 5 हो गया। तो यहाँ एल बराबर 5 5 6 यहाँ 4 2 8 4 2 8 35 हो गया, ये 10^ क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो जो 1 हो गया तो नीचे आ जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 5 5 6 88 35 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करिए, यहाँ से तो 88 हो गया, अब यहाँ से ऊपर नीचे 10 में 100 से गुणा करिए, यहाँ भी 100 से गुणा करिए, ठीक है। तो 100 से गुणा करते हैं, चलिए तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यल का मान हो जाएगा यहाँ से ये 5 लो 5 6 88 100 और बटा नीचे हो जाएगा 35 1000, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब ये 100 जो है और इसके साथ जो गुणा हो रहा था ये बदल जाएगा, 556 88 35 1000 हो जाएगा, 1 0 बढ़ेगा ना, यहाँ 1 0 हाँ 10 था ना। अब यहाँ से काटिए इसको, नहीं कटेगा 5 से, ठीक है, अभी नहीं कटेगा। तो ऐसे भाग देंगे यहाँ से यल से, ठीक है, भाग गुणा करेंगे 35 से भाग देंगे तो आंसर जो हमारा आएगा ये 1 39.7 मिलीमीटर आएगा, ठीक है, यही मीटर आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को टच करिएगा नया वीडियो पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, और भी प्रश्न है, ये अभी प्रश्न ये तीसरा था, और भी प्रश्न है तो मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, या फिर जो है बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो अगला प्रश्न इससे थोड़ा सा लंबा है, बहुत बड़ा लंबा है, ठीक है, तो मैं उसको भी बताने वाला हूँ, और थोड़ा सा बिग है क्वेश्चन, आप देखेंगे, चलिए देख ही लीजिए, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। मापन युग्म धारा के 2 लंबी समांतर समान लंबाई के तारों विपरीत दिशाओं में प्रवाहित करने का प्रबंध किया गया है, ठीक है, जिसमें से एक धारा तुला के बिंदु से जुड़ा है, तार के परिमाणी प्रतिकर्षण बल को चूल की दूसरी ओर लटकी पड़ले में एक द्रव्यमान या बाट रखकर संतुलित किया गया है। एक माप में पल्ले में 30 ग्राम का बाट रखा है, प्रत्येक तार की लंबाई 50 मीटर है, उनके बीच प्रतखन जो है 10 मीटर है, मापने वाली धारा का मान है जी बराबर 8 मीटर/सेकेंड है, लीजिए और माना कि मानिए कि तुला की भुजा की लंबाइयाँ समान है, ठीक है। तो यह जो है ये भी अपने में जो है थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ देखिए प्रतिकांग लंबाई जो है यहाँ पर जो है चीज़ और भी है कि मापने की धारा को 2 लंबे समांतर लंबाई के तारों की विपरीत दिशाओं में प्रवाहित करने का प्रबंध किया गया है, ठीक है, और जिसमें से एक धारा तुला के बिंदु से जुड़ा है, तारा के परिमाणी प्रतिकर्षण बल को चूल की दूसरी ओर लटकी पड़ले में एक द्रव्यमान का बाट रखकर संतुलित किया गया है, ठीक है। एक माप में पड़ले में एक बाट रखा है, 30 ग्राम का बाट रखा है, प्रत्येक तार की लंबाई जो दिया है 50 मीटर है, उनके बीच प्रतिखंड 10 सेंटीमीटर है, तो धारा का मान जो इतना वो दिया है क्या होगा ये पूछ रहा है, और यह दिया है लीजिए और तुला की भुजाओं की लंबाई समान है। तो चलिए इसका चित्र बनाते हैं हम, तो चित्र बनाते हैं तो देखिए कैसा, थोड़ा सा टफ होगा, अगर घबराइएगा नहीं, प्रश्न देख कर जो घबराइएगा नहीं, मतलब जो है बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं भाई, जो थोड़ा सा अगर समझदारी रखेंगे तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा होता है कि कभी प्रश्न छोटा कभी बड़ा आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए जो है हम क्या करेंगे हल करने के लिए, प्रति माना प्रतिकर्षण लंबाई का अनुभव बल जो है माना, सबसे पहले प्रति एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का अनुभव बल जो है एफ डैश है, तो I1 I2 बराबर I, ठीक है। तो माना तारों में पृथक्करण R है, माना तारों में पृथक्करण
क्या है आर है, तो सूत्र क्या हो जाएगा एफ डैश बराबर म्यू जीरो बटा फोर पाई गुणे टू आई वन आई टू बटा आर हो जाएगा। यदि पल्ले से जुड़े आई लंबाई के तार पर कुल बल एफ है, यदि पलड़े से जुड़े आई लंबाई के तार पर कुल बल एफ है, तो चित्र कैसे बनेगा देख लीजिए। यहाँ यो दिया है, ऐसे होगा ये, सॉरी यहाँ से ऐसे आएगा ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है भाई, ये बना रहे हैं दूरी। और एल का दिया है 50 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से ये जो है अगला है, ये दिया है इसे, फिर अगला दिया है यहाँ से इसे, ठीक है। तो यहाँ जो यही है, यही 30 ग्राम का जो है लटका हुआ, ठीक है, यही 30 ग्राम का। देखिए ये जो है 50 मीटर लंबा है, यहाँ जो स्मॉल दूरी आर है और ये इससे लटका हुआ है और ये इससे संतुलित। वही कह रहा है कि प्रबंध किया गया है और यहाँ जो है ये लंबाई के तारों में यह समान, यह मापन योग्य धारा के दो लंबे समांतर समान लंबाई के तारों में विपरीत दिशाओं में प्रवाहित करने का प्रबंध किया गया है, जिनमें से एक धारा तुला के बिंद से जुड़ा है। तार के परिमाणी प्रतिकर्षण बल को चूल की दूसरी ओर लटकी पल्ली में एक द्रव्यमान या बाट रखकर संतुलित किया गया है। देखिए यहाँ पर यहाँ ये लटका, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये 30 ग्राम का लटका हुआ, ठीक है। यही कह रहा है कि जो है 30 ग्राम का बाट रखा गया है एक माप में। प्रत्येक तार की लंबाई 50 मीटर और उनके बीच प्रतिखंड 10 सेंटीमीटर है, कह रहा प्रत्येक जो है 10 सेंटीमीटर है उनके बीच का प्रतिखंड। तो फिर कह रहा है उसमें कि धारा का मान क्या है, आई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखिए यहाँ चित्र आप देख ही गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके आगे, एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ एफ डैश गुणे यल, यानी एफ इक्वल टू म्यू जीरो बटा फोर पाई, एफ डैश का मान हम रखेंगे तो टू आई, ये एफ डैश का मान रख रहे हैं म्यू जीरो, ठीक है, टू आई आई वन आई टू, ये आई टू है, बटा आर गुड़े यल, ठीक है। जब पलड़ा संतुलित है तब, जब पलड़ा संतुलित है तब क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम जी, ठीक है, यानी बल के बराबर भार होगा। तो यहाँ एम जी रख देंगे हम, तो यह म्यू जीरो बटा फोर पाई टू आई वन और आई टू बटा आर गुड़े यल बराबर हो जाएगा एम जी, जैसे इसके पहले प्रश्न में जो है सॉल्व किए हैं। तो यहाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम रख देंगे, वैल्यू जो हमारा आया है, ठीक है, यहाँ पर मान रखा है, देखिए मान भी हम लिखेंगे। तो यहाँ से आई वन आई टू क्या हो गया, यहाँ से बराबर है, इक्वल टू है। अभी मैं पहले बताया हूँ कि यहाँ आई वन आई टू क्या है, देखिए यहाँ पर आई वन आई टू क्या है, यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो परिमाणी जो है प्रतिकर्षण बल को जो है चूल की दूसरी लटके पड़ने पर जो है 30 ग्राम जो है, ठीक है, तो ये हो गया। और प्रतिकरण आर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जब आई वन आई टू बराबर आई है तो यहाँ हो जाएगा म्यू ज़ीरो फोर पाई टू आई इंटू आई, ठीक है, बटा आर। एल का मान है 0.50 मीटर है, तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 0.5, ठीक है, मीटर हो जाएगा यहाँ। और यम का मान क्या दिया है, ये हम मान इधर रख देंगे 30 गुणे 10 पावर 3, और जी का मान जो दिया है 9.8 हो गया यहाँ से, ठीक है, ये आसानी से निकल गया, ये हो गया, मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो देखिए आगे जब हम हल करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो फोर पाई टू आई स्क्वायर बटा आर 0.5 30 गुणे 10 पावर 3 9.8, यहाँ से म्यू ज़ीरो बटा फोर पाई, तो टू है
आई स्क्वायर का मान हम रख देंगे। आई का मान क्या है, तो आई स्क्वायर का मान ज्ञात करना भाई, आई स्क्वायर तो रखना नहीं है, आर का मान रख देते हैं, क्योंकि ये पृथक्कन कितना था यहाँ, ये 10.2 हो गया और 0.50, 3 × 30 × 10³, 9×8, इसको हल करते हैं, आगे चलते हैं स्टेप में तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ था जो है म्यू 0 4π 2i² बराबर ले लेते हैं, 10^2 0.5, यहाँ 30 × 10³, 3 × 9 = 8 है, तो यहाँ संभाल करेंगे तो यहाँ इसका मान आप जानते हैं 10^2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कैसे 10^10, क्योंकि r बराबर 10 m था, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ ये यह हो गया 10 × 10^2, यहाँ जो है यही यहाँ पर जो है, ठीक है, यानी 10^2 m m आ गया यहाँ से, और l 50 सेंटीमीटर था, तो इसलिए जो है l बराबर ये 0.5 मीटर में बदल गया। अब यहाँ से आई स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से आई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो भाग हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा अंडर रूट में 30 × 10³, 9.8 × 10^2 / 10^7 × 2 × 0.5, ठीक है, अंडर रूट में है। तो अब इसकी आगे हल करते हैं, तो ये 30 है, ये पावर पावर दोनों को तीनों को इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ ये 30 × 9.8 10^3 है, ऋण 2 हो गया, और ऊपर चला गया तो +7 हो जाएगा, नीचे का बचा 2 × 5 = 10 हो गया, ठीक है, 10 हट जाएगा, इधर आ जाएगा। अब हो गया आई बराबर अंडर रूट 30 × 9.8, एक से भाग देने में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, 10^3 × 2 = 5, 7 में से 5 जाएगा, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर 30 × 9.8 × 10^ क्या हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 980, ठीक है। और यहाँ से जो है ये आगे हल करेंगे, तो ये हो गया 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे स्टेप में चलते हैं, आगे स्टेप में क्या होता है, 30 × 9.8 × 10^2 है, तो आई बराबर हो जाएगा, यहाँ 30 है 9.8, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए आई यहाँ से हो जाएगा ये 3 × 10, और इसमें से इसको 9.8 × 10 यहाँ ले लिए, इसके ये वाला 0 है, यहाँ 10 यहाँ ले लिए, इसके साथ 1 × 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये 3 × 98 × 100 हो गया। अब 98 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बकायदा ये हो जाएगा 3 × 2 × 49, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं इसको 10 × 10। अब दोनों का क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल इसका वर्गमूल निकल जाएगा बड़ी आसानी से, ये हो गया यहाँ 3 × 6, ये 49 × 49, इसको लिख सकते हैं 7 × 7, यहाँ 10 × 10। अब इसमें से वर्गमूल से इसमें जोड़ा साथ निकल जाएगा, यहाँ ये 7 × 10 अंडर रूट क्या आ गया, 3 × √2। अब क्या करेंगे, आई बराबर 7 × 70, इसका मान होता है दोनों 7 × 3 = 2, इसका मान दोनों 41 = 42, इसका आपस में गुणा कर देंगे, वही जो आई का मान निकाल देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो चलिए मैं उस प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ, और आपको नया और भी वीडियो जो है मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को टच करिएगा जिससे आपको नया वीडियो मिलेगा। तो 5वां एक प्रश्न है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, 25 kV गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 0.2 mT के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब चलता है, तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन काल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भी कह रहा है 25 kW गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 0.2 mT के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब चलता है, तो यहाँ दिया है टेस्ला, हल करेंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे क्या क्या यहाँ पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिया है B बराबर 0.2
मिली, ठीक है टेस्ला, तो यहाँ से हो जाएगा ये हम बदलेंगे 0/2 × 10³ टेस्ला हो जाएगा, ठीक है यहाँ से ये हो जाएगा, तो मिली टेस्ला है ये 0.2 देखिए जो है दिया है, यहाँ मिली टेस्ला है ये, ठीक है टेस्ला है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ये बी का मान। अब हम यहाँ से जो है तथा टी का मान दिया है, ये 2 मिली है, सॉरी ये 2 मिली टेस्ला हो गया, तथा टी का मान दिया है 0.2 × 10³ टेस्ला यहाँ दिया देखिए, ठीक है ये टी, ये हो गया टेस्ला टी का मान, और बी का मान जो है यहाँ 0.2 मीटर है चुंबकीय क्षेत्र, 2 मिली टेस्ला है, 2 मीटर है सॉरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की घर्षण गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा के ई 1/2 mv² अब देखिए के ई दिया है, के ई दिया है काइनेटिक एनर्जी 25 किलो, ठीक है दिया है, तो यहाँ ये हम निकालेंगे 25 × 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से इसका भी वैल्यू रख देंगे 25 × 10³, ये दोनों 6 × 10⁻¹, ये जूल हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन काल टी है, ठीक है इसमें कह रहा है कि घूर्णन काल ज्ञात करना है, तो यहाँ जो है ये एक बी का मान दिया है, फिर वो दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन काल निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन काल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन काल टी, तो टी सॉरी टी बराबर हो जाएगा 2πmeV। ये सूत्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूत्र हमेशा आप याद रखिए, बिना सूत्र का क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो जाता है, और आदमी जो है उसको लगा नहीं पाते हैं। इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख दीजिए मान, इसका ये पाई एम का मान 9.1 × 10³, जो एम का मान कॉन्स्टेंट एम होता है, कैपिटल एम वही मान है ये, ठीक है। और यहाँ नीचे ई का मान 1.6 × 10⁻¹, यहाँ 19, और बी का मान जो दिया है 2×10⁴ हो जाएगा, यहाँ मिली टेस्ला दिया था ना वही, तो हम क्या कि ये इसको बदल ली यहाँ पर। अब चूंकि यम का मान देखिए आपको यह होना याद होना चाहिए, कैप यम बराबर होता है ये 9.1×10³³ और ई का मान आप जानते हैं, ई का मान 6×10⁻¹ कूलाम होता है, ये भी रखा गया है। अब इसको हम हल करते हैं, तो जब हल करेंगे यहाँ से, जो हल करेंगे यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा टी का 8×10⁷, ठीक है यही काल आ जाएगा, ठीक है घूर्णन काल यही होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।